अगर आप लोगों को परेशान करेंगे, ए मैन गेट्स यू नो वट एवर ही गिव्स, तो ये याद रखिए जिंदगी में अगर आप लोगों को परेशान करेंगे तो उसमें भी एक छोटी सी कहानी आती है, स्टोरी, स्मॉल स्टोरी। तो ये फादर एंड सन दे वर गोइंग इन द वैलीज, यू नो दे वर जस्ट गोइंग, तो सन यू नो ही हैड सम ही फेल डाउन एंड ही सेड आ, तो इतना रिजाउंड करके वॉइस आई आ, व्हाट इज दिस, देन ही सेड यू आर ए फूल, उस साइड से आवाज है यू आर ए फूल, पादरी व्हाट इज दिस हैपनिंग यू नो, देन सन दिस इज ईगो ही सेड नाउ लेट मी से, ही सेड द फादर सेड थैंक यू, केम द वॉइस थैंक यू, ही सेड यू आर वंडरफुल, द वॉइस वॉज यू आर वंडरफुल, उसने कहा ये क्या बात, ये ईगो है, ईगो करता है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, अगर आप प्यार देंगे, आप रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। तो दैट्स व्हाई से जब कभी जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कम चल कर चलो हम हंसे जग रोए, yes. When I took over as principal Hindu College, that was the whole interview was published, and that these were the two lines which I said first of all. Now, you gentlemen, fortunately, so far as you are concerned, you have very good times, you know. The Indian economy is booming. You have got a lot of opportunities. There is total LPG era, we call it liberalization, privatization, and globalization, you have. But you, at the same time, you can go anywhere in any part of the world. But at the same time, you know, people can also come. Otherwise, if you have seen newspaper reports, you know, that 70% of Indians who have come back from USA, they are happy here. So this, you have a lot of opportunities. Lot of talent is required. But required of talent. Those who are of first class generation, that is, in every respect, who are first class. But of course, there is a problem. Of course, the political leadership at this time, you know, particularly, is at its lowest credibility. When we were students, you know, we used to hear about Dr. Rajendra Prasad. He used to hear about Mahatma Gandhi. We used to hear about Pandit Jawaharlal Nehru, and they used to be inspiration to us. But that leadership is not there. Ab to hum kehte hain, कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ से आ गए ये लोग, कहाँ चले गए वो है ही नहीं। अब तो हम यही कह रहे हैं कहाँ से आ गए लोग। दैट्स व्हाई आई से स्मॉल पोयम, देख कर वक्त का है जब फैसला, देख कर वक्त का है जब फैसला, हमें रोते हुए भी हंसी आ गई, देख कर वक्त का, ये टाइम की बात है, वक्त की टाइम, देर माज ए फिल्म ऑल्सो वक्त ओल्ड फिल्म, सो देख कर वक्त का है जब फैसला, हमें रोते हुए भी हंसी आ गई, जिनको कभी खुशबू की पहचान नहीं थी उनके घर फूलों की पालकी आ गई, जिनको कभी फूलों की, जिनको कभी खुशबू की पहचान नहीं थी उनके घर फूलों की पालकी आ गई, जिनके हाथों कभी मोमबत्ती भी नहीं जल सकी, जिनके हाथों कभी मोमबत्ती भी नहीं जल सकी उनके पास पूरी रोशनी आ गई। दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन आई नो, वी कुड टेल अवर चिल्ड्रन दैट लुक टू डॉक्टर पंडित नेहरू, लुक टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लुक टू डॉक्टर महात्मा गांधी, दैट वाज द टाइम इट वाज डिफरेंट, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल दैट। शायद जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनकी किताबों में चैप्टर्स भी नहीं है। You don't know, if you ask them who was Subhash Chandra Bose, they will start looking at your face, कौन था, कहाँ से आ गया बंदा। माइकल जैक्सन जरूर याद होगा उनको, और आजकल जितने भी मैं बच्चों को जो पार्टी करते हैं ना आप, जो फेयर, जो आप वेलकम पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आई टेल माई स्टूडेंट ये डोंट डू दैट, जबरदस्ती टांगे हिला रहे हैं, अरे वो टांगे हिलाना अजमेर वो अंग्रेज से हिला गए, उनको फुर्सत नहीं, आप लोग जबरदस्ती टांग हिला रहे हैं, जिधर दाएं बाएं फ्री फंड में लेना देना, जस्ट एप्रिशिएट, इतना लाउड म्यूजिक आप कर देते हैं
कि कुछ समझ अंधेरा कर देते लड़के लड़कियां, फिर आप देखिए बड़ा अजीब तमाशा है. एंड दे कंसीडर देमसेल्व्स टू बी मॉडर्न, यू नो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट वी आर गेटिंग. वी विल चेक देम.